أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفس بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال عز وجل في مقام मकाम आखर वमा ख़ल तुलजन्ना वनसा अलिया अब्दून महतर महाद्रीन व नाद्रीन अलकुम वरम वरकू फ़राइज सीरीज़ का एक पहला पार्ट आपके सामने पेश किया जा रहा है जिसमें हूक़ से मुतल कुछ तमहिदी बातें आपके सामने पेश की जाएंगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझने की तोफ़ीता फ़रमाएँ और उसके जो तखाज़े हैं अल्लाह उसको पूरा करने की सदत नसी फरमाए आमीन रबामीन अल्लाह रब्लमी ने इंसान को पैदा किया उसकी ज़रूरियात की तकमील का सर व सामान भी अल्लाह ताला ने फ़रमाया वो इस तरह कि एक तो ख़ुद इसे भी अल्लाह ताला त अखलोशोर से नवाजा और दूसरे नंबर पर पूरी कायन को उसकी खिदमत में अल्लाह त लगा दिया इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की अता करदा अखलो बसीरत से काम लेकर कायनात में अल्लाह रब्बुल आलमीन की पैदा करदा चीज़ों को जोड़ जोड़ कर या उनको सूरतों में ढाल कर ऐसी चीज़ें इंसान बना लेता है जिनसे इंसान को तमदनी तमदनी सहूलतें और जिसमें इंसानी को राहतें हासिल होती हैं गोया कुछ चीज़ें तो अज खुद ही इंसान की खिदमत में मसरूफ़ हैं और वही खिदमत सिर्फ़ अल्लाह के हुक्म से सर अंजाम देती है इंसान की अपनी रसाई तो वहाँ तक है ही नहीं जैसे सूरज और चाँद का निज़ाम सूरज अपने वक्त पर निकलता है और अपने वक्त पर गूब होता है इसी तरह चाँद का और दीगर उन तमाम चीज़ों का मामला है जिनको अल्लाह ताली ने इंसान के लिए अल्लाह तशर किया है और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि इंसान ने अपनी मेहनत व मशक्कत और अपनी काविशों से अपनी खिदमत के लिए उनको काबिल बनाया है बहुत सारी चीज़ें इंसान ने आज ईजाद कर ली हैं जो हम हमारे सामने मरूफ व मशहूर हैं अब सवाल ये है कि इंसान को यह व बसरत और, और शुरू किसने अता किया जब हम गौर करते हैं इस मामले में तो ये भी अल्लाह आलमीन का अता करदा है इस एतबार से वो चीज़ें जो अल्लाह के हकम से इंसान की खिदमत में लगी हुई हैं या इंसान ने अल्लाह की पैदा पैदा करदा चीज़ों में तसरुफ़ करके उनको मुख्तलिफ़ शक्लों में ढाल लिया है या अल्लाह रब्बुल रब्लम की पैदा करदा गदाई अजनास को मुरक्कबात की शक्ल देकर अनवाकसाम के में तब्दील कर दिया है ये सब अल्लाह रब्लम की अदा करदा नमतें हैं उसके एहसानात है। और हैं और ये नमतें और एहसान इतने हैं कि हम उसको शुमार भी नहीं कर सकते जैसा कि अल्लाह ताला ने फ़रमाया व इन तद्द अल्लाह हम और अगर तुम अल्लाह की नमतों को गिनना चाहो तो पूरे गिन भी नहीं सकते तो इन अनगिनत नेमतों नमतों और एहसानात के बदले में अल्लाह रब्लम इंसान से क्या चाहते हैं अल्लाह रब्लम ये चाहते हैं कि इंसान सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करे अल्लाह रब्लम ने इंसान के मकसद तख्लीक़ को बयान करते हुए सूर्जारियात में कहाा ख़ल तुलजन् न्यादून के मैंने तमाम जिनों और इंसानों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है तो अल्ला रब्लम ने इंसान को अपनी इबादत का हुक्म दिया है वो इसलिए नहीं दिया कि अल्लाह रब्लम की इसके ज़रिए से उसकी बादशाहत में या सल्तनत में या उसकी शान व शवकत में इजाफ़ा हो जाएगा और अगर इंसान अल्लाह की इबादत नहीं करेगा तो अल्लाह रब्लम की शान व शौकत में कमी आएगी ऐसी बात हरगिज नहीं बल्कि इंसान जो भी इबादत करेगा वो अपनी फायदे अपने फ़ायदे और अपनी मनफाद के लिए करेगा इंसान अच्छा काम करेगा अल्लाह रब्लम की इबादत करेगा जिस तरह अल्लाह रब्लम ने ज़िंदगी गुजारने का हुक्म दिया है उस तरह अगर इंसान ज़िंदगी गुजारे तो उसमें फ़ायदा इंसान का है और अगर इंसान उस तरह ना करे तो नुक़सान सिर्फ इंसान का होगा इस बात की वजाहत हदीस ख़ुदी में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन अल्फाज में फ़रमाई या इबादी लो लोअ अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जन्कुम काना अतख़ा कल बि रौजुल वाहिद मिन कम माजा दा लिकाफ़ी मुल्की शै या इबादी लोअ अउलकुम व आखिरकम वन सकम व जन्नकम काना अफजरी क़लब रौजुल वाहिद मिन कुम मा न ख़ा

जिसमें अल्लाह अल्लाह के नबी वसल्लम अल्लाह से रिवायत करते हैं अल्लाह ने फरमाया ए मेरे बंदो अगर तुम्हारे अव्वल व आखिर तमाम इंसान और जिन एक आदमी की तरह हो जाए जो तुम्हें सबसे ज़्यादा मतफ़ी और परहेज़गार हो यानी कोई भी नाफरमान ना हो तो उससे मेरी हुकूमत और बादशाह में कोई इजाफा नहीं होगा इसी तरह अल्लाह ताला ने कहा तुम्हारे अव्वल व आखिर तमाम इंसान और जिन अगर उस शख्स की तरह हो जाएं जो तुम्हें सबसे बड़ा नाफरमान और फाजिर हो तो उससे मेरी हुकूमत और बादशाही में कोई कमी नहीं होगी अरे बंदो अगर तुम्हारे अव्वल व आख़िर इंसान और जिन सब एक मैदान में जमा हो जाए और फिर मुझसे सवाल करें और मैं हर इंसान को उसके सवाल के मुताबिक अदा अता कर दूँ तो उससे मेरे ख़ज़ाने और बादशाही में उतनी ही कमी होगी जितनी सुई के समंदर में डुबो कर निकालने से समंदर के पानी में होती इसी तरह मस्ंद अहमद में हदीस ख़ुदी इस तरह है उसमें अल्लाह रबीन ने फ़रमाया अबन आदम तफर इबादती अमल सदर का गिलन व असुद्द फ़रक व अ तफ़ अल मलात सदर का सगलन असद्रक यह मस्ंद अहमद की रिवायत है जिसको ला मालवानी रमत ने हदीस हदीसा में ज़िक्र किया है सही हदीस अल्लाह ताली ने फरमाया अबन आदम तो मेरी इबादत के लिए फ़ारिग हो जा मैं तेरा सीना मालदारी से भर दूँगा और तेरी हाजतें पूरी कर दूँगा अगर तूने ऐसा ना किया तो मैं तेरे सीने को अजगाल से भर दूँगा यानि मुख्तलिफ दुनिया की चीज़ों में इंसान को मशगूल कर दूँगा और तेरी हाजत मंदी का रास्ता बंद कर दूँगा शुर तलाक़ में अल्ला रब्लमीन ने फरमायाद ख़ल सबास मिसल य तनजलरुबैनतालम्ला खुलसैन कदीर व अनबी खुलिसन इम कि अल्ला वज़ात है जिसने सात आसमान पैदा किए और सात ज़मीनों को इसी तरह सात जमीनों को भी अल्लाह ने पैदा किया इनके दरमियान अल्लाह का हुक्म नाजिल होता है ताकि तुम जान लो कि अल्लाह रब्बुल रब्लम हर चीज़ पर क़ादिर हैं और उसका इल्म हर चीज़ को मुहित तो अल्लाह रब्लम के इस अर्शाद से वादे हुआ कि तख्ली कायनत और उसमें इंतजामी अहकाम जारी करने से मकसूद अल्लाह की सिफ़ात का इजहार और उसके कमालत का तारुफ कराना है बरहाल इंसान के लिए ज़रूरी है कि वह अपने ख़ालिक खाली मालिक मोहसिन और अपने मुन और कायन के मुदब्बिर व मुंतजम का हक पहचानें और उसे अदा करने की कोशिश करें अल्लाह ताली के हक कौन कौन से हैं और इन्हें किस तरह अदा करना चाहिए इन श तफसील आइंदा दुरूस में हम करेंगे अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को सही मानों में जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने हमें पैदा फ़रमाया है उस मकसद को जानते हुए ज़िंदगी गुजारने की इसद नसी फ़रमाएँ आमीन सामीन व मालीना अल्लाबलामबी असलमकुम वाला वर्का